अयोध्या आज पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11 बजे के आसपास आएंगे और आप नजारा देख सकते हैं। मैं आपको मिनट टू मिनट बताता हूं प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कितने बजे से है और कितना है। प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे के आसपास अयोध्या एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा 10:45 पर अयोध्या हेलीपैड में उनका आगमन किया जाएगा और 10:55 पर वो श्री राम जन्मभूमि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 11 बजे के आसपास और 12 के बीच में समय आरक्षित है, वो उस वक्त जो यहाँ मौजूद बड़े वीआईपी लोग हैं उनसे भी एक भेंट करेंगे, फौरी भेंट। उसके बाद 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है उसमें शामिल होंगे और इसके बाद 12:55 के बाद पूजा स्थल से प्रस्थान होगा। 1 बजे सार्वजनिक समारोह स्थल से उनका आगमन होगा और करीब दोपहर 1 बजे और 2 बजे के बीच में अयोध्या के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उनको शामिल होना है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस दौरान संबोधित भी करेंगे और इसके बाद 2 बजे वो कुबेर टीला में जाकर के दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी जाने का भी उनका कार्यक्रम बन सकता है, ऐसी सूचनाएं हैं। ये लता चौक में मैं इस वक्त खड़ा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। पूरी अयोध्या सजी हुई है, सिक्योरिटी जो इंतजामात हैं वो भी पूरे पुख्ता हैं, चारों तरफ सुरक्षा बल एक्टिव हैं। सभी एजेंसियां चाहे वो राज्य की हों चाहे केंद्र की हों, सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और अलर्ट के साथ साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस और तमाम अन्य बल तैनात कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये सूर्य वाले जो चौक लता मंगेशकर चौक से जो हाईवे की ओर जाता है जो सूर्य रोड है उस रूट पर भी आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था और मीडिया का ही जमावड़ा है और पूरी तरह से यहाँ से दूर तक जहाँ नजर आ रही है जितना दिखाई दे रहा है सुबह के वक्त में उसमें पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ बाकी मीडिया के कर्मचारी ही हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखिए खुशी से लोग झूम रहे हैं। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहाँ किया जा रहा है। इसके साथ ही साफ सफाई का व्यवस्था भी लगातार यहाँ पर जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं और अब से 2 से 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ जाएंगे और फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम विधिवत तरीके से होना है वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल अयोध्या में जो हालात हैं वो बिल्कुल सामान्य तौर पर हैं, जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धा के साथ मंदिरों में और जा करके हनुमानगढ़ी तक उनका एक्सेस है। इसके बाद जब प्रधानमंत्री अपना कार्यक्रम यानी प्राण प्रतिष्ठा जब कर लेंगे उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए भी राम मंदिर खोल दिया जाएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया, अयोध्या। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।